तो यार साइकिल ना साइड में लगाते हैं एंड सर से बात करते हैं, बाकी रोका है बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। एंड गाइस हमारी साइकिलें ना आप लोगों को लग रहा होगा सीध हो जाएंगी, नहीं यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड गाइस अपने पास ना इतनी 5 साइकिलें हो चुकी है कि अगर कोई 5% भी आए ना हमारे पास तो आराम से वो चला सकता है। इसके अंदर ना धारा 144 लगी पड़ी है एंड अगर एक साथ 4 लोग दिख गए ना तो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर है। खुशी कितने टाइम बाद ब्लॉग में आती है एक बार मेरे को कमेंट करके बताना, खुशी के साथ ब्लॉग चाहिए नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। एंड गाइस आज नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत, बाकी आज का वेदर चेक करो कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। एंड गाइस वो देखो यार ये बच्चे हैं ना जो ये चिल्लाते रहते हैं ब्लॉग के अंदर, पीछे जो नॉइज़ आती है ना ये सारा इनका कारण है, बिकॉज कोई नहीं बच्चे हैं यार कर सकते हो चिल्लाने दो। और मैं आप लोगों को बताऊँ आज कल तो ब्लॉग आ नहीं पाया अपना, एक्चुअली बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आया था। घर वाले भी मना कर रहे थे कि भाई मत जा आज ब्लॉग बनाने, तो मैंने कहा ठीक है, वैसे तो घर वाले मना नहीं करते लेकिन कल मना करा उन्होंने क्योंकि भाई हेल्थ इश्यूज़ को लेकर वैसे ही मेरी फीवर वगैरह की दिक्कत चल रही है। बट आज भी बारिश का मौसम हो रहा है और मैं आप लोगों को दिखाऊं, इनका ये सचिन देखो नीचे खड़ा हुआ है और एक भाई भी और साथ आया। एंड अभी हम लोग ने निकाल दो, देखो भाई हाय। एंड गाइस अभी हम लोग ना निकाल रहे हैं अपनी एम्फेट को निकाल रहे हैं और लिमिट निकल रही है और गाइस साथ साथ अपनी फायरफॉक्स स्विस मिलिट्री भी जा रही है, बाकी स्विस मिलिट्री अपने पास ही खड़ी हुई है तो खुशी को बोलता हूँ मैं लेकर आएगी वो बाहर, बाकी अभी तुम्हारा भाई शूज़ वगैरह वेयर करे। एंड आज का सीन तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि लोगों को तो पता ही है यार हम लोग कर रहे हैं देहरादून राइड, वो भी भाई 300 किलोमीटर प्लस होने वाली है, तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो सारी चीज़ें ना प्रॉपर रेडी करनी पड़ेगी हमें उस चीज़ के लिए, तो आज उसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें रेडी करके निकलेंगे। तो आज थोड़ा सा मेरे को काम है, अभी हम लोग निकलेंगे, कहाँ पर मैं आप लोगों को ना अभी घर से निकलते हैं फिर बताता हूँ। ये चेक कर लो यार ये आ चुकी है अपनी स्विस मिलिट्री, फिलहाल इसको लेके चलते हैं। तो यार फाइनली अपनी स्विस मिलिट्री तो बाहर लग गई है एंड अभी हम लोगों को ना एम फैट उठानी है और अपनी लिमिट उठानी है, बाकी ये चेक करो ये देखो हमारा मोटा क्या हालचाल है। खुशी कितने टाइम बाद ब्लॉग में आती है एक बार मेरे को कमेंट करके बताना, खुशी के साथ ब्लॉग चाहिए नहीं चाहिए, हमारी मोटी बहन के साथ, बाकी इसका नाम प्यार से मोटो रख दिया। और ये देखो क्या क्या नाम है इसका, हाँ बता जल्दी बता मोटू बेटा, तू बाद में कितना पढ़ने वाला तुझे खुद नहीं पता। तो यार मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, एंड गाइस मेरे को ना थोड़ा सा प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि यार हमारे पास ना साइकिल का थोड़ा बहुत तो कलेक्शन हो ही चुका है कि अगर कोई अदर पर्सन भी आता ना हमारे साथ उसमें साइकिल नहीं होती तो वो हमारी साइकिल पर राइड कर सकता है। एंड गाइस ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी, बाकी कोई नहीं आज 3 भाई जा रहे हैं तीनों के तीनों, बाकी फिलहाल तो चलो यार हेलमेट वगैरह मैंने ले ही लिया और निकालते हैं इसको नीचे, बिकॉज ये राइड के बाद इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ऑफ रोडिंग के बाद, मैंने इसको वॉश भी नहीं कराया तो कराएंगे एक दो दिन के अंदर इसको वॉश। फाइनली यार निकल चुके घर से, बाकी ये चेक करो यार ये रही हमारी लिमिट एंड आई एम फैट और फायरफॉक्स स्विस मिलिट्री, और भाई ये नया भाई है, और भाई क्या हालचाल है, बढ़िया भाई बढ़िया। एंड भाई भाई का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, आप भी विश कर दो, बाकी हमारे सच्चू भाई चले बात बढ़िया जी बढ़िया। एंड गाइस अभी निकल रहे हैं हम लोग सीधा एंड हमारी एक छोटी सी मीटिंग टाइप की भी है, तो फाइनली गाइस निकल चुके घर से, बाकी चेक करो यार अपनी तीनों बाइकों का लाइनअप निकल रहा है एक साथ। मैं आप लोगों को बताऊं ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड गाइस अपने पास ना इतनी 5 साइकिलें हो चुकी है कि अगर कोई 5% भी आए ना हमारे पास तो आराम से वो चला सकता है। कि फिलहाल यार आज ना G20 का सीन चल रहा है तो एक्चुअली हमें ना ग्रीन पार्क साइड जाते टाइम ना शायद कोई दिक्कत आ सकती है एंड एक बार ना पूछना ही पड़ेगा बिकॉज हमें ग्रीन पार्क निकलना है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि G20 वाला सीन चल रहा है ना, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है बिकॉज, एंड यहाँ पे देखो यार सारे जितने पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं। हाँ जी, और 2 दिन के लिए इसको बंद कर लो आप पहले तो, बताइए बोलिए बोलिए आप कैमरा बंद करिए, ऑन रहेगा अभी बताइए G20 के कारण बंद है। हाँ G20 चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसलिए बंद है सारे, तो हम नहीं जा सकते अभी, तो नहीं जा सकते 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए तो नहीं जा सकते ना। एक्चुअली हमें ना देहरादून राइड पे निकलना था तो मुझे जितना भी किट वगैरह है ना वहाँ से वो वहाँ से बाई करनी थी, तो मार्केट ही बाई खुली नहीं है, मतलब मार्केट वगैरह से यार मैंने कॉल किया था तो बोल रहे थे खुली हुई है साइकिल की शॉप है अंदर है बट वो, तो चलो निकलते, थैंक यू सो मच। एंड गाइस देख रहे भाई क्या सीन चल रहा है, हमें ना वापस लेनी पड़ेगी आई थिंक। तो यार हम लोग ना निकले ही थे ग्रीन पार्क के लिए बट गाइस आप लोगों को पता है हैंड पुलिस इशू इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि साइकिल को भी जाने के लिए मना कर दिया, कि अभी तक ना मेरे को ये भी नहीं पता कि शॉप खुली है या नहीं खुली, क्योंकि गाइस अभी यार फैट बाइक भी निकाल ली हमने, तीनों बाइक निकाल रखी है एक्चुअली, देखते हैं अब क्या सीन बनता है। एंड एक बार कॉल करके पूछते हैं कि भैया से अगर शॉप खुली होगी तो आएंगे। अभी ना हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और CP तक चल रहे हैं, अगर CP में हमें कोई भी रोकता है तो गाइस हम CP से वापस आ जाएंगे। इसके अंदर ना धारा 144 लगी पड़ी है एंड अगर एक साथ 4 लोग दिख गए ना तो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर है,
मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर। तो इसलिए ना हम लोग ना सीपी तक चल रहे हैं, बट सीपी से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि हम दूसरे वाले रास्ते से आएंगे, क्योंकि अपना ये मेट्रो वाला जो रास्ता है ना ये ब्लॉक हुआ पड़ा है। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि गाइस अपनी ग्रीन पार्क वाली शॉप जो है ना वो भी क्लोज हो चुकी है। एंड भैया से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ ओपन होगी, बट वो थोड़ी देर के लिए ओपन हुई, लेकिन अब मैंने पूछा तो भाई वो क्लोज हो चुकी है। बाकी फिलहाल अभी चलो सीपी तक चलते हैं। एंड भाई कोई दिक्कत ना है, कोई नहीं यार, निकालते भाई और निकलते हैं यार। तो भाई चलो निकलते हैं, एक बार भैया रोकेंगे। हाँ हाँ साथ में, हाँ ठीक। तो फिलहाल यार एक बार ना चल के देखते हैं। एंड भाई से तो मैंने बोला था अगर जाने दे तो ठीक है, क्योंकि हमें आगे वाली साइड से कट मारना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड वाला रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। देखते यार नॉर्मल गाड़ी वगैरह तो जा ही रही है, बट जब ग्रीन पार्क की शॉप ही क्लोज है। क्लोज मैं आप लोगों को बताऊं, एंड आप लोगों को तो पता ही है हम लोग देहरादून राइड करने की पूरी प्लानिंग में है। एक अपडेट और आया कि भाई वहाँ पे ना लैंडस्लाइड वगैरह जो हो रही थी ना वो इस टाइम पे थोड़ी शांत है। देखते गाइस, एंड जिस तारीख को डेट वगैरह रिवील नहीं हुई है, पता नहीं 2-3 दिन के अंदर जैसी अपनी शॉपिंग वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है ना मैं आप लोगों को डेट भी रिवील कर दूंगा। तो फिलहाल यार यहाँ पर भी बैरिकेड्स वगैरह लगे पड़े हैं, तो एक बार चल के देखते हैं, अगर मना करेंगे तो रिटर्न आएंगे। गाइस फाइनली यार थोड़ा सा करीब है हम लोग सीपी के, एंड आगे ना बैरियर वगैरह लगा पड़ा है। और यार मैं आप लोगों को बताऊं, सल्यूट है उन पुलिस ऑफिसर्स को एंड जितने भी लोग हैं, एंड अपने आर्मी के जितने भी सर हैं, एंड सब लोगों को ना सल्यूट है यार, हम लोगों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस जाके ना जय हिंद लिखो कमेंट सेक्शन में, जो जो पुलिस वाले एंड इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करता है। तार बंद। अरे यार अंकल को ग्रीन पार्क जाने का रास्ता नहीं होगा क्या? तो यार हम लोग ना सीपी एंटर ही होने वाले थे, बट पीछे ना सर बैठे हुए, उन्होंने मना कर दिया कि अंदर ना एंट्री बिल्कुल ही नहीं है। अभी हम लोग ना यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, एंड गाइस चल रहे पहले कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। गाइस अपनी एम फैट को तो लेके ही निकले थे, बट एंट्री ही नहीं है भाई यहाँ पे क्योंकि G20 चल रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं, वापस निकल रहे गाइस यहाँ से, बाकी किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो चलो यार फिलहाल निकलते हैं, एंड सचिन वगैरह सब लोग ना आगे निकल गए हैं। भाई यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज घर के लिए, बट यहाँ भी रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है तो पूछना पड़ेगा अगर जाने देंगे। हाँ जी सर, रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते सर। हाँ जी 77K। हाँ जी अब हम ये वीडियो बढ़िया में भी आएंगे। हाँ आप भी है। क्या नाम है? मेरा वैसे रियल नेम रोहित यादव है और चैनल का नाम जेंटलमैन ब्लॉग्स है। जेंटलमैन ब्लॉग्स? हाँ थोड़े जेंटलमैन टाइप के है ना, अलग चीज करते हैं आराम से भाई। जल्दी से तेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। हाँ पार्टी वार्टी बनती है। अरे जरूर। आपका नाम? मंजीत सिंह। ओके मिलते हैं। तो यार साइकिल ना साइड में लगाते हैं एंड सर से बात करते हैं। तो यार दोनों बाइकों को ना इधर, तीनों बाइकों को इधर लगा दिया यार हम लोगों ने, एंड सर के साथ रुके हुए हैं बिकॉज थोड़ी बातचीत चल रही है एंड यूट्यूब को लेके। बाकी हमें भी मतलब जो भी है भाई पुलिस प्रशासन से सपोर्ट तो मिलता ही है पूरा। फायदा भाई यूट्यूब का? हाँ यूट्यूब हर कोई करता है भाई। सर का भी चैनल था बट सर कह रहे हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं करता, मोटिवेट वीडियोस वगैरह करता था। अब हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा बहुत कर दे रहे यार अपनी तरफ से। बाकी रोका है, बातचीत करते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। एंड गाइस हमारी साइकिलें ना आप लोगों को लग रहा होगा सीज हो जाएंगी, नहीं यार हम तो ऐसे ही रुके हुए मिलने के लिए। बाकी सर नमस्ते। चलो फिलहाल बातचीत करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, आगे चल के कुछ खाएंगे यार, भूख बहुत तेज लग रही है बिकॉज यहाँ से एंट्री वगैरह आई थिंक बंद कर रखी है, क्योंकि जो इस वाली साइड पे आईडी लगती है ना जिसका एड्रेस होगा खाली उसकी एंट्री है। हम नॉर्मल है, हम नहीं जा सकते तो हमें वापस जाना पड़ेगा आई थिंक ना। ठीक है सर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके अच्छा लगा मिलके। बाकी चलो यार निकलते हैं। एंड यार अपने को तो पूरा सपोर्ट ही है, एंड गाइस इधर जा नहीं सकते, तुम्हें पता है भाई हम रूल्स के खिलाफ नहीं जाते। तो वापस घुमाते हैं अपनी बाइकों को, एंड जिसकी आईडी है ना वहाँ की इस वाली साइड की तो वो उधर ही जा सकता है। बाकी अभी हमें मना कर रहे हैं तो हम लोग ना इधर से निकल ही रहे हैं। ऐसी गाइस आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं भी भाई मेरे से भी जितना हो पाता है ना हेल्प आउट मैं करूंगा आने वाले टाइम में अगर मैं उस लायक रहूंगा, क्योंकि भाई ये लोग हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। पुलिस वाला गलत नहीं होता, तो आप ना प्यार से बात करो। कोई भी इंसान हो ना यार वो कितना भी गुस्से वाला होगा वो इंसान ना अपने आप शांत हो जाता, तो प्लीज़ प्यार से। एंड बहुत लोग ऐठ में बात करते हैं तो भाई ऐठ ना दरी की दरी रह जाती है, वो भी पुलिस वालों के सामने तो खासकर। बाकी अपना नॉर्मल रहो। फिलहाल तो निकलते हैं यार यहाँ से, एंड अभी निकलते सीधा घर के लिए बिकॉज टाइम भी बहुत हो रहा है, बारिश भी आने वाली है।